वीडियो में मैं आपको गीजर में लगी हुई एक एक्स्ट्रा पाइप के बारे में बताऊंगा। दोस्तों वो जो पाइप है वो ये वाली पाइप है। ये दोस्तों ये पाइप अक्सर लोग पूछते हैं भी ये किस काम के लिए यूज़ होती है। ये दोस्तों जो पाइप होती है जब ये हम गीजर को ऑन कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये आधे घंटे के आसपास बंद हो जाता है। कई बार क्या होता है कि ये जो गीज़र है वो बंद नहीं होता, इसकी जो अंदर की थर्मोस्टेट है वो डायरेक्ट हो जाती है, इसका अंदर का कट ऑफ होता है वो भी डायरेक्ट हो जाता है। तब दोस्तों इसके अंदर जो ये जो इसके अंदर सेफ्टी वाल लगा होता है, ये इसका सेफ्टी वाल है इसके अंदर। इसके अंदर दोस्तों एक सेंसर टाइप बोल सकते हैं इसको, इसके अंदर एक सिक्का लगा होता है। जब इसका जो ओवर हीटिंग हो जाती है इसमें गीज़र में, पानी बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग हो जाता है तो वो सिक्का वो पिघल जाता है और मादा जो इसमें भाप बनी होती है वो यहाँ से, और बहुत ज़्यादा हीटिंग वाटर होता है वो यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है। इससे हमारे गीज़र की सेफ्टी हो जाती है, गीज़र हमारा फटने से बच जाता है। तो ये वाल जो होता है दोस्तों सेफ्टी के लिए लगाया जाता है इसमें। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी नई नई वीडियो हम आपके लिए लाते रहें, और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।